राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी टॉपिक, लकी नंबर फॉर लॉन्ग लाइफ। सबको लंबी जिंदगी चाहिए, लंबी आयु चाहिए। लंबी आयु के लिए वो कौन सा नंबर है न्यूमरोलॉजी में, आज मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन वो आप लोग पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको लंबी लाइफ चाहिए या बड़ी लाइफ चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को, MBA स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूँ, उसको मैं केस स्टडी देता हूँ कि लाइफ बड़ी होनी चाहिए कि लंबी होनी चाहिए। बड़ी होना और लंबी होने में क्या फ़र्क है? बड़ा लाइफ का मतलब होता है क्वालिटी लाइफ। चाहे 60 साल ही जिए, 65 साल ही जिए, 70 साल ही जिए, लेकिन वो लाइफ क्वालिटी वाली लाइफ हो, ना नेम एंड फेम के साथ हो, ना मान सम्मान के साथ हो। कुछ आप करके चले गए, लोग आपको मरने के बाद भी याद रखे, उसको बड़ी लाइफ कहा जाता है। और लंबी लाइफ का मतलब होता है कि आप 94 साल जी गए, 100 साल जी गए, कोई आपको नहीं जानता है। कष्ट प्रद वाला लाइफ रहा या बिना कष्ट के भी लाइफ रहा, कोई आपको नहीं जानता। खाली बस आपने जीवन जिया है ना, बस, और कुछ नहीं किया। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बड़ी लाइफ चाहिए कि लंबी लाइफ चाहिए। तो आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ लंबी लाइफ, क्योंकि सबके मन में क्या रहता है, मैं बहुत दिन तक जीऊँ। आप अभी भी 80 साल के लोगों से पूछ लीजिएगा कि आपको कितना दिन जीना पड़ेगा, मैं 100 साल तक जीऊँगा। तो लंबी लाइफ का मतलब होता है वो लाइफ है ना, जो 80 से 100 साल के बीच का लाइफ जो देता है, वो कौन सा नंबर है जो आपको 80 से 100 साल के बीच का लाइफ देता है, या मान लीजिए 72 है ना 100 का लाइफ देता है, इसको हम लोग लंबी लाइफ बोलते हैं। क्योंकि 70 साल जो जी जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई तुमने बहुत अच्छा लाइफ लीड कर लिया, बहुत लंबी लाइफ है आपकी, है ना। और 80 साल जी जाता है, सोने पर सुहागा, 90 जी गया तो और भी अच्छा। तो वो नंबर जो आपको 70 से 100 साल तक लेके जाएगा या 90 साल तक भी लेके जाएगा, उसको लंबी आयु बोलते हैं। 70 साल तो हमारे यहाँ एवरेज लाइफ है ही, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसके लिए जाने की भी जरूरत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो प्री मैच्योर डेथ होता है, जैसे मेरे बड़े भाई की होगी प्री मैच्योर डेथ हो गई, तो वो सब तो कर्मों का, जो भी पास जन्मों में हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे काम या बुरे काम, उसके बेस पे हमें वो फल मिलता है। और कुछ प्रारब्ध से जो होता है वो अपने माता पिता से, पेरेंट्स से मिलता है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और वो आज तक है ना, वो मिस्ट्री बनी हुई, उस मिस्ट्री को कोई भी नहीं जान पाया। इससे पहले मैं ये बताऊँ, आपको बता दूँ, मेरा 125 प्रेडिक्शन ऑनलाइन सही हो चुका है। मैं यूट्यूब का ऐसा पहला न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जिसका 125 प्रेडिक्शन 11 महीने के अंदर शुरू हो चुका। आज मैं 11वां महीना मैं आपको वह यूज़ कर रहा हूँ। 11 महीने के अंदर 100% ऑनलाइन सही हो चुका है। राधे राधे कृपा से अगले 30 साल तक सही होगा। कहने का मतलब यह है कि मैंने आज तक परमोटेशन कॉम्बिनेशन जिसको भी 24 साल में करके दिया, 24 से 26 साल में, वो सारा परमोटेशन कॉम्बिनेशन सही है और आगे 30 साल तक सही होगा राधे राधे कृपा से। क्योंकि माध्यम मैं बनूंगा, ब्लेसिंग सुनता मिलेगा, इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना है ना। आज ही आपको पेड न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी करानी है, पैसा दे के करानी है, क्योंकि फ्री की चीज़ कभी किसी को ना प्यारी होती है, ना उसकी वैल्यू होती है, ना उसका इंपॉर्टेंस होता है, ना वो फलित होता है। इसलिए पेड न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी करानी है। एस्ट्रोलॉजी इसलिए करानी है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों ग्रिड में जो नंबर आ रहा है वो आपका कारक है, मारक है, ऊंच का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ अस्त है, क्या है, बलवान है, क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। कौन से ग्रहों का निवारण जो है दान से होगा या खाली मंदिर जाने से होगा या पूजा पाठ करने से होगा, ये जानना चाहिए जिससे बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया है, वहाँ जाओ, पढ़ो, लिखो, समझो। एक बार इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम का शांति है, सुख शांति समृद्धि है, पूरे परिवार का न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करो, पेड पैसा दे के, तब फलित होगा, तब जीवन में आगे बढ़ोगे। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना, भाग्य ही कर्म करवाता, जो मेरा टैगलाइन है उसको कभी नहीं बोलना, वो मेरा टैगलाइन है, कॉपीराइट है मेरा उसके ऊपर, भाग्य ही कर्म करवाता है। जब तक आप न्यूमरोलॉजी नहीं करवाओगे, आपका स्वर्ग का सातवां दरवाजा नहीं खुलेगा, मतलब आपका भाग्य उदय नहीं होगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी कराने के बाद आपको डायरेक्शन एक बार जान लो, किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन लेस घूमते रहोगे, 5 साल 10 साल बर्बाद हो जाएगा, 15 साल बर्बाद हो जाएगा, 20 साल तक बर्बाद हो जाएगा, उसका पता चला आप जीरो, फिर से जीरो पॉइंट पे पहुंच गए। इसलिए इस बात को नहीं भूलना है। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी है, क्योंकि आपको जैसे ही महसूस हो कि आपके पास इतना मेहनत करते हो, इतना बढ़िया क्वालिफिकेशन, उसके बाद भी आपके पास कभी घृत कना, कभी बोटी और चना, कभी वो भी मना, डिले, डिफिकल्टी, सब कुछ लगा हुआ, कभी कोई चीज़ बाई चॉइस नहीं मिला, बैंक बैलेंस नहीं है, सेविंग्स नहीं है, आपके पास अपना साइकिल तक नहीं होगा, लैपटॉप तक नहीं होगा, घर नहीं होगा, स्कूटर नहीं होगा, कार नहीं होगा, एसी नहीं होगा, ब्रांडेड कपड़ा नहीं होगा, अच्छा होटल रेस्टोरेंट खा नहीं पा रहे होगे, बार बार बीमार पड़ रहे होगे, हॉस्पिटल जा रहे होगे, बिजनेस 15 बार फेल हो चुका होगा, दुनिया भर का कर्जा माथे पे आ गया होगा, बीवी बच्चा बात नहीं मानता होगा, मैरिज टूट चुका होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ से गुजर रहे हो गया, जॉब दर दर भटक रहे होगे, कभी शहर चेंज हो रहा होगा, कभी सिटी चेंज हो रहा होगा, है ना, जूनियर सीनियर बन जा रहा होगा, ये सब प्रॉब्लम तब तक लगा रहेगा आपके जीवन में, तब तक जब तक कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपका नाम का फ्रेंडली नहीं हो जाए। वो अभी एनेमी है, दुश्मन नंबर पे, अनफ्रेंडली है,
उसी को ठीक करना है और अपने जीवन को सुखमय बनाना है और अपने जीवन में 100% सुख शांति समृद्धि लेके आना है। इस बात को नहीं भूलना है, जितना जल्दी कराओगे उतना जल्दी सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आएगा और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। इसीलिए पेड़ न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आज ही करानी है, पूरे परिवार की करानी है, एक साथ नहीं करा सकते हो, अलग अलग कराओ, एक एक मंथ का गैप लेके कराओ, लेकिन पूरे परिवार कराओ। चलो बताते हैं वो कौन सा नंबर है जो आपको दीर्घायु बनाता है, लंबी आयु देता है, मतलब 70 साल से 100 ईयर्स तक या 80 साल से 100 ईयर्स तक। 70 साल तो एवरेज आयु हमारे देश में है, जैसे 70 साल तक तो सब जीता है ऑलमोस्ट 80% लोग, 20% लोगों के साथ ही प्रॉब्लम होती है, प्रीमैच्योर डेथ हो जाता है, कभी एक्सीडेंट के माध्यम से, कभी बीमारी के माध्यम से, कभी कुछ और माध्यम से। कोरोना काल तो बहुत बुरा रहा सबके लिए, बट एनीवे मान लीजिए 80 to 100 ईयर्स के जीने की अगर इच्छा है आपकी, लंबी आयु है, बड़ी आयु है, आपने क्वालिटी लाइफ जीने की इच्छा नहीं, आपको लंबी आयु जीने की इच्छा है, तो वो जो सबसे पहला नंबर है वो है 3 नंबर जुपिटर, है ना। जुपिटर आपको लंबी आयु देता है, ये आपका बलवान है अगर आपका ग्रह, तो आपको बहुत लंबी आयु देगा। ऐसे लोग हमेशा 70 साल 80 साल मिनिमम जीते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 नंबर आपका ड्राइवर नंबर के रूप में और बलवान हो तो सुपर डुपर आपका लंबी आयु समझ लीजिए 70-80 तो मिनिमम आप जाएंगे जाएंगे 80-90 तक जा सकते हैं, 90-95 तक भी जा सकते हैं, कभी कभी तो सेंचुरी भी पिट देते हैं। ये हुआ 3 नंबर अच्छे से लाइफ जीने के लिए, बिना कष्टदायक लाइफ जिसमें कष्ट नहीं होगा, वो 3 नंबर का बलवान होना चाहिए। 4 नंबर राहु भी देता है, लंबी आयु देता है, लेकिन कष्टदायक लाइफ आयु देता है, मतलब कष्टदायक जीवन देता है। 4 नंबर बलवान अगर है दीर्घायु बनाएगा आपको, आपको 90 साल 95 साल, लेकिन बहुत कष्टदायक अगर बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में अष्टम भाव कुछ होता है उसमें, अगर वो चीज़ है अष्टम भाव में अगर बोला जाता है ये सब नंबर हो तो वो दीर्घायु बनाता है। और भी बहुत सा प्रमोटेशन कॉमर्स जो आचार्य जी सब जब कुंडली बनाइएगा तो वो बताएंगे, न्यूमोलॉजी में वो सब मैं नहीं, अष्टम भाव सब मैं नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ नंबर के बेस से बताता हूँ कि बलवान होना चाहिए नंबर। इसी यही चीज़ जानने के लिए आचार्य जी से आपको सलाह लेनी पड़ेगी, कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। 3 नंबर का बलवान आपको बहुत सुंदर लाइफ देगा, है ना, आपका जीवन में जीवन भर रेस्पेक्ट बनाए रखेगा, पैसा बनाए रखेगा और आपको दीर्घायु बनाएगा, है ना। मिनिमम 80 साल तो आप जियोगे 85-90 तक भी जा सकते हो। 4 नंबर भी आपको 80-90 तक लेके जाएगा, 95 तक लेके जाएगा, लेकिन राहु का जो है प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये किसी तरह से अगर खराब हो गया किसी भी वजह से, है ना, तो फिर आपको बड़ा कष्टदायक लाइफ देगा, बहुत खतरनाक लाइफ देगा, है ना जी। लंबी आयु देगा लेकिन बहुत कष्ट वाला लाइफ देगा, है ना। इसलिए राहु का जो नंबर होता है बड़ा डेंजरस नंबर होता है, ये आचार्य जी आपको बेटर बताएंगे। मैं न्यूमरोलॉजी नंबर के हिसाब से बता दी कि 4 नंबर का, है ना, ये अगर खराब हो गया आपकी कुंडली में भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो समझ लीजिए फिर आपको कष्टदायक लाइफ देगा, लंबी आयु देगा, कष्टदायक देगा। उसके बाद शनिदेव जो है आपको लंबी आयु देता है, सैटर्न, है ना। शनिदेव जो है गॉड ऑफ दृष्टि जिसको कहते हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद, सबसे ज़बरदस्त है। 8 नंबर वाले लोग जबरदस्त लंबी आयु देते हैं, आप देख लीजिए आपके आसपास नज़र उठाकर देख लीजिए, 8 नंबर वाले स्पेशली ड्राइवर नंबर वाले लोग 8 नंबर, है ना। और ऊपर से अगर बलवान हो तो देखिएगा ऐसे लोग आपको एकदम लंबी आयु वाले लोग मिलेंगे आपको, बहुत स्वस्थ मिलेंगे। 3 नंबर 8 नंबर वाले बहुत स्वस्थ मिलेंगे, जो कि लंबी आयु 80 साल तो मिनिमम जीना ही जीना है, उसके बाद 90 साल तक भी जा सकते हैं, 95 तक भी जा सकते हैं, मतलब किसी भी लंबी आयु, मतलब 80 से 100 साल तक के बीच का आयु इन लोगों का होता है। ये 3 ही नंबर है, 3 नंबर 4 नंबर और 8 नंबर। वैसे तो सब नंबर का मैं इतना दम होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो आपको लंबी आयु दे सकता है, बट 70 साल तक तो एवरेज आयु ही इंडिया में है, उसके बाद का जो लाइफ जीने का जो आयु होता है वो 3 नंबर 4 नंबर 8 नंबर देता है, और वो भी पर्टिकुलर, है ना, जगह पे होने के बाद देता है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रह बलवान हो तब मिलेगा। लेकिन 4 नंबर के साथ है कि इसके साथ थोड़ा सा प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन उल्टा है, है ना। इसीलिए 4 नंबर जो है राहु जो है ये भी लंबी आयु देता है लेकिन कष्टप्रद आयु देता है, दीर्घायु तो बनाता है लेकिन कष्टों के साथ बनाता है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी करानी है आचार्य जी से, और ये जान लेना है कि सच में आपकी लंबी आयु जो है कितनी दूर तक है वो बताएंगे आपको, है ना। कि अगर वो कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो जरूर बताएंगे, तो ऐसे वो नहीं बताती, प्रॉब्लम रहेगा तो बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे एकदम लंबी आयु, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, अपना लाइफ जियो। दिस इज ऑल अबाउट दिस नंबर, 3 ही नंबर है 3, 4, 8 जो कि आपको लॉन्ग लाइफ देता है। आप लॉन्ग लाइफ में मत जाइए, आप बड़ी लाइफ पे जाइए, बड़ा लाइफ मिले, भले ही हमको 17 साल का जीवन मिलेगा गॉड की तरफ से, लेकिन उस लाइफ में हम कुछ करके जाएंगे कि लोग मरने के बाद भी मुझे याद रखे, उसको बोलते हैं बड़ी लाइफ, क्वालिटी लाइफ, जो कि मैं चाहता हूँ हमेशा अपने राधे राधे से कि मुझे क्वालिटी लाइफ चाहिए, कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ तो उनका नाम रोशन हो, सबसे पहले राधे राधे का नाम रोशन हो और लोग मुझे याद रखे कि अपने गॉड का नाम वो रख के किया। दिस इज कॉल्ड मोक्ष की प्राप्ति, कि आप जिस आराध्य को मानते हैं, जिस इष्ट देव को मानते हैं, उनके लिए आप कुछ करके गए और उनका नाम को बढ़ा के गए,
दैट इज कॉल्ड मोक्ष की प्राप्ति, इसी को याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और जाते जाते फिर से बता दें, पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है और ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेना है घर बैठे, मान सम्मान के साथ लाखों रुपये कमाना है, तो लेडीज जेंट्स रिटायर्ड रिस्टार्ट पर्सन के लिए सुपर डुपर है ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स। और जाते जाते बता दें, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। अगर आपको खुद अमीर बनना है, दूसरों को मदद करो अमीर बनने के लिए, क्योंकि अमीर बनना एक चेंज सिस्टम का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। Thank you so much. May God bless you. The happy beginning.